सर्वप्रथम सभी बैठे हुए सरदारी को निवेदन करूंगा, आप जरा शांति बनाएं। कवि ने बड़ा साफ साफ लिख दिया है, एक भक्त ने निवेदन किया भगवान के दरबार में जाकर के, प्रभु आप दया के सागर हैं। और भक्त निवेदन कर रहा है, कह रहा है क्या, महाभारत में के बने संघाती श्याम पिया कहीं मीरा तेरे सुन लई तेर बनाई लई दास गज और ग्राम लड़े या फूटी लिलारी को कोई नहीं। भजनलाल भैया, जिस समय भगवान राम वन की अवधि को निकाल करके अयोध्या में वापिस आ गए, पास में मां सीता बैठी हैं, हनुमान जी भी खड़े हुए हैं। सीता माने एक मणियों की माला हनुमान को दी और कहा कि लो, आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है, एक छोटा सा उपहार हम तुम्हें दे रहे हैं। हनुमान जी ने क्या काम किया, माला के जो मणि थे उनको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। सीता माँ ने देखा, हनुमान मेरी भेंट का अपमान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ खोजने की कोशिश में लगा हूं। तो हनुमान जी मैया से क्या जवाब दे रहे हैं और क्या बोले, मुझे ना चाहिए हीरे मोती, सुनो जानकी तो दे दो
मैया राम बसी बिन रग रग में, सुन लो जानकी राम बसी बिन रग रग में, सुन लो जानकी। और इसी बीच में ये 200 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई रामवीर सिंह डागर हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति में होती पूजा, भक्ति में होती पूजा काम की नहीं है, इसमें छवि मेरे काम की नहीं है, इसमें छवि मेरे। आइए विद्वानों प्रसंग की ओर गौर करेंगे। प्रसंग वही है जो कल आपके बीच में था। दुर्योधन के दरबार में वो भीमसेन अचानक पहुंच गया। दुर्योधन ने भीम को देख करके एक बात कह डाली। क्या कहा? भीम तू सुन मेरे भैया, और पिता तेरे पांच एक मैया। ये बात भीम को बहुत बुरी लगी। मामा सल्ल के पास में पहुंच गया भीमसेन। सल्ल से बोला, मामा मुझे कौरवों ने बहुत चिढ़ाया है, हो सके तो मुझे भी कौरवों की कोई चेक बता दीजिए। सल्ल भूप ने, मामा सल्ल ने क्या जवाब दिया और क्या बोले? कोरन की बताए दू चे कपे सही भीम मेरी बानी, कौरन की बताए दो चेक बेटा, बहुत बहुत पुरानी चेक है। क्या बताया? केवल एक भो का शब्द। इस शब्द को लेकर के भीम खुश हो गए। सामने दुर्योधन बैठा है, आगे से भीमसेन चले आ रहे हैं और सभा के अंदर उसी शब्द को पेश कर रहे हैं। और क्या कह रहे भैया? बलधारी और वो सुनी बजर गयो ले बलधारी, वो सुनी बजर गयो
जी 51 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई राम बाबू जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का आशीर्वाद सरपंच साहब बांसरौली से, और 51 रुपए का आशीर्वाद नवाब सिंह जी दे रहे हैं, और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे पहलवान जी बांसरौली वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच 51 रुपए का आशीर्वाद हवलदार नेम सिंह जी दे रहे हैं, और 51 रुपए का आशीर्वाद उदयचंद जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद सोनवीर सिंह जी दे रहे हैं, और 101 रुपए का आशीर्वाद भोला भैया गोदावली, और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे भगत जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 रुपए का आशीर्वाद हमारे भगत जी ने दिया, और 51 रुपए का आशीर्वाद दिगंबर के पिताजी दे रहे हैं बांसरौली वाले, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 51 रुपए का आशीर्वाद नेम सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पदम सिंह जी मार साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की आप लोगों से हमेशा कामना करूंगा, और सुनिए क्या हुआ। अरे यो सोच रहो कुलंघाती, अरे यो सोच रहो कुलंघाती, कैसे मरे भी मरे विचार किया, ये मेरे रास्ते का कांटा पूरी तरह से बन गया है, इस कांटे को रास्ते से अलग करना होगा। कुछ गंदे विचार दुर्योधन के हृदय में आए, और दुर्योधन ने सोचा अगर मैं इससे कुश्ती लड़ूंगा तो ये मेरे पिटने में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बलवान है ये भीम, कोई सरल उपाय ढूंढता हूं। और कहां पहुंच गया, मामा शकुनी के पास में। सज्जनों आप भी जानते हैं मामा शकुनी कैसे होए, जो बिना पेट्रोल के आग लगाए दे। और शकुनियों की कमी नहीं है, कहीं भी चले जाओ गांव गांव में शकुनी घूम रहे हैं। शकुनी बोला ए दुर्योधन, भीम तो एक मामूली सी चीज है, उसको मारने के लिए मेरे पास अनेकों रास्ते हैं। भजनलाल भैया एक सलाह दे रहा है, कौन मामा शकुनी दुर्योधन को, और क्या कह रहा है, कपट को प्यार। हाँ जी, ने कहा मारियो सुनो साहब जी, एक घर कोरियन को रहेगो बेचारो सवंते पीछे को, यो की सुन लो बेचारे, यो कपट को प्यार, भीम भोजन बनवायो, शकुनी शकुनी से लगी सला चेहरे लड़ुआ में मिलवायो, हमारे वीर सिंह नेताजी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
भीम बातन में आई गयो। अरे क्या मनवे का आशीर्वाद चौधरी चरण सिंह जी, अरे क्या मनवे का आशीर्वाद समय सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इक्यावन रुपए का आशीर्वाद, इक्यावन रुपए चंद्रमान जी और इक्यावन रुपए का आशीर्वाद हमारे सुरेश मार साहब दे रहे हैं गोदावली वाले। भीम बातन में आई गयो, भीम बातन में आई गयो, कोई सुनो हजारों मन के लड़ुआ भीमा खाई गयो। आशीर्वाद हमारे साधु हैं साहब जी, हमारे नानक चंद जी, ये 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं गुहावली वाले। और भैया नरे रमेश डागुर साहब 51 रुपए का आशीर्वाद, 50-50 रुपए हमारे ढोलक माइटर को और झीका वादक को, हमारे बड़े भैया रामबी डागुर और 100 रुपए का आशीर्वाद दोबारा से हमें दे रहे हैं रामबीर सिंह डागुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम बातन में 50 रुपए का आशीर्वाद हमबीर सिंह गोदावली वाले। और ये इसी बीच में 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भाई सत्येंद्र ठाकुर गोदावली, और 101 रुपए का आशीर्वाद पंडित रोहितास YouTube चैनल जनुथर वाले। अरे भीम बातन में आई गयो, कोई सुना हजारों मन के लड़ुआ भीमा खाई गयो। सुना हजारों, ध्यान को लगाए। भीम हजारों मन के लड्डुओं को जो विष मिला हुआ था उनके अंदर, बेचारा भोला वाला भीमसेन हजारों मन के लड्डुओं को खा गया। जब उसके शरीर में जहर का नशा छाया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। भीम बोला, भैया मैंने तेरे साथ कोई गलत कार्य तो नहीं किया, लेकिन तू तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। मैं बचने वाला नहीं हूं, इस दुनिया से मैं जा रहा हूं। जाते जाते मेरी एक फरियाद सुन ले, और वो फरियाद हम आपसे भी कर रहे हैं। जाते जाते क्या बोला भीम, हम छोड़ चले इसमें फिल को, ए भैया दुर्योधन हम छोड़ चले इसमें फिल को, याद आए कभी तो मत रोना। बागड़ा जी ये जिगड़ी है, जिगड़ी का गाना एक टेढ़ी खीर है,
भजनलाल भैया हम छोड़ चले इस महफिल को दिल को तसल्ली इस दिल को तसल्ली दे लेना घबरा कभी रस्ते का कांटा अलग हो गया। मंत्रियों को आदेश दे डाला इसकी लाश को ले जाकर के गंगा जी में डाल दो। भैया आज भीम के उस रुदन को सुनकर के पशु पक्षी भी रोने लगे हैं। और भजनलाल जी उड़ान जो जिकड़ी का टर्निंग पॉइंट गायक बंधु बताते हैं
गोवर्धन दरबार में आके सुरख है। आइए एक सुंदर सा गीत और गीत के माध्यम से भजनलाल जी अंतिम पेशकश है मेरी आप सभी को विदित है। पुलवामा के अंदर हमारे 44 वीरों को एक साथ मारा गया था। उन्हीं वीरों में एक वीर था जिसका नाम था चित्रेश वशिष्ठ। सन 2019 की बात है, फरवरी का महीना था, 14 फरवरी के दिन ये 44 वीर मारे गए थे। लेकिन हुआ क्या, उन्हीं 44 वीरों में एक वीर है जिसका नाम चित्रेश वशिष्ठ है। आगामी जो 7 मार्च आने वाली थी, चित्रेश वशिष्ठ की शादी होने वाली है। घर पर तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। विधवा माँ का इकलौता पुत्र था, मैया रोज सपना देखती थी मेरा बेटा फौज की सेना से जब छुट्टी लेकर के आएगा उसके सामने मैं आरती का थाल घुमाऊंगी। लेकिन माँ को क्या खबर थी, मेरा बेटा एक तिरंगे में लपेट करके आएगा। बेटे की जब डेथ बॉडी उसके गांव में आई, सजनों माँ का दिल रोके नहीं रुका और माँ का दिल रो रो करके अपने बेटे से क्या बोला, धन्य धन्य बेटा तेने बदल पे दे दई जा, तेरा ऋण चुका न पाएगा ये पूरा हिंदुस्तान। माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और क्या बोली, मुहूर्त से पहली बेटा, ओ मुहूर्त से पहली बेटा तू दूल्हा बना है, सजा छोड़ आरती का तू थाल जा। ये जो आरती का थाल में रोजाना तैयार करती थी वो आरती का थाल काम नहीं आया। तू सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। आशीर्वाद हमारे साडू भाई नानक चंद जी और 51 रुपए का आशीर्वाद लाखन मीना अस्थामन वाले दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोली माँ, जब मनुष्य आया फोन परिवार वाले मौन, जब मनुष्य आया फोन परिवार वाले मौन, ये रोया दिल हाथ भी कभी कभी रह गए। और 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई शहीद प्रेम सिंह जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य आया फोन परिवार वाले मौन, ये रोया दिल हाथ भी कभी कभी रह गए। अरे मौत से तो सामना न पूरी हुई कामना, ये माला पे मंत्र भी जपे के जप रह गया। माला पे मंत्र भी जपे के जप रह गए, माला पे मंत्र भी
सोनवीर राजस्थान पुलिस और भोला भैया गोदावरी वाले 101 एक रुपए का पुरस्कार दोनों भाई मिलकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूड़ी और कंगन भी नब्बे के नब्बे रह गए, ये ना बरात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, ओ ना बरात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, वो शादी के कार्ड भी छपके छप रह गए। जोड़ा माथे की बेदी रखी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी, वो रखी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी हो। और ये अटूट प्यार मेरे बड़े भाई रामवीर सिंह ठाकुर की ओर से आप देख रहे हैं सभी लोग। ओ खा करके गोली सीना फिर भी तना है, बेटा वतन की बन गए